चलें अभी हम शुरू करते हैं। एक अदद सिंपल टेक्स्ट फाइल बनाते हैं दोबारा से टेक्स एडिटर के अंदर, जिसका नाम नोटपैड है। कैसे बनाएंगे? किसी भी फोल्डर में जाके, मतलब व्हाटएवर, कोई भी फोल्डर हो सकता है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स भी एक फोल्डर हो सकता है, पिक्चर भी एक फोल्डर हो सकता है, वन ड्राइव भी एक फोल्डर हो सकता है, म्यूजिक भी एक फोल्डर हो सकता है, और यहाँ पे कई सारे फोल्डर्स हैं। उन किसी भी फोल्डर में जाके हम यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे और जैसे ही वो फोल्डर ओपन करेंगे, इसमें मेरी कुछ और टेक्स्ट फाइल नजर आ रही है आपको, ठीक है ना। अगर मैं एक नई फाइल बनाना चाह रहा हूँ तो उस पर राइट बटन दबाऊंगा, न्यू करूंगा और यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो एक इसके अंदर टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। अगर आप टेक्स्ट फाइल जो आप बनाना चाह रहे हैं तो इसका नाम आप जो भी रखना चाह रहे हैं अपने तौर पर रख सकते हैं, लकी रख सकते हैं हम इसका नाम। और लिखने के बाद यहाँ पे जैसे ही क्लिक करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसका नाम लकी सेट हो जाएगा, ठीक है। और क्लिक करके जैसे ही इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम जिसका नाम है नोटपैड उसमें ओपन हो जाएगी। ये इस प्रोग्राम का इंटरफेस है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। और इसके आगे ये तीन बटन आ रहे हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। इस बटन पे जब क्लिक करेंगे इस पूरी स्क्रीन पे फैल जाएगा, और जब दोबारा क्लिक करेंगे तो रीस्टार होके छोटा हो जाएगा। मिनिमाइज करेंगे तो ये छोटा होके नीचे चला जाएगा, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा, और क्लिक करेंगे तो दोबारा से रीस्टोर हो जाएगा, और यहाँ से क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। एक और फाइल बना लेते हैं राइट बटन दबा के टेक्स्ट फाइल पे जाके, जिसका नाम हम रखते हैं इब्राहिम, और इब्राहिम के नाम से फाइल हमारी यहाँ पे सेव हो गई। और इसको डबल क्लिक करके हम ओपन करते हैं। ये इसका कहलाता है टाइटल बार, जिसमें सॉफ्टवेयर का नाम और फाइल का नाम और फाइल की टाइप दोनों मेंशन हुई हुई है। ये फाइल का मेन्यू है, ये एडिट मेन्यू है, ये फॉर्मेट मेन्यू है, ये व्यू मेन्यू है, ये हेल्प मेन्यू है। ये फाइल के मेन्यू के अंदर मुख्तलिफ कमांड है, न्यू की, ओपन की, सेव की, सेव एज से रिलेटेड है, और एडिट पे भी इस तरह से काफी सारी कमांड्स हैं जिनको भी हम परफॉर्म करके देखेंगे। तो अभी हम इसके अंदर कुछ टाइप करते हैं। हेलो आई एम इब्राहिम लिख देते हैं इसके अंदर, आई एम इब्राहिम, ठीक है। और यहाँ लिखने के बाद फाइल में जाके सेव करेंगे। वेन एवर सेव करना है, मुझे कैसे पता चलेगा? आपको मैंने कल भी बताया था, जब यहाँ स्टार का निशान दिखाई दे इट मीन्स कि आपको फाइल को सेव करने की जरूरत है। ऑल टाइम आपको हर दफा सेव करने की जरूरत है, अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपका फाइल के अंदर जो डेटा है वो सेव नहीं हो पाएगा। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो ये स्टार का निशान यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं मैग्नीफायर को ऑन कर देता हूँ। वन सेकंड देखें, जैसे ही मैं अगली लाइन पे इस फाइल के अंदर कोई चेंजेस करूंगा, माय फादर्स नेम इज अब्दुल खालिक, ठीक है। तो लिखने के बाद यहाँ पे दोबारा स्टार का निशान एक्टिवेट हो गया, इट मींस कि ये मुझे कह रहा है कि आप इसको सेव कर लें। तो जैसे ही मैं फाइल में जाके इसको सेव करूंगा ये वापस से सेव हो जाएगा। और यहाँ पर आप जाके देखेंगे तो मेरे उस फोल्डर में फाइल सेव है जिसका नाम है इब्राहिम, और इब्राहिम की फाइल के अंदर जब मैं दोबारा ओपन करके देखूंगा तो वही कुछ लिखा होगा जो मैंने लास्ट टाइम टाइप करके सेव किया था, ओके? इसी तरीके से अगर हमने लकी की फाइल को खोला और उसके अंदर जो लिखा, हेलो आई एम लकी एंड आई एम लर्निंग कंप्यूटर्स लर्निंग विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये देखिए हमने इसके अंदर लिख दिया। और लिखने के बाद हम फाइल में जाके हम इसको क्या कर रहे हैं, सेव। अच्छा, मैंने नीचे जाके कुछ डॉट लगाया और दो चार लाइनें लिखी, और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। फाइल में गया, सेव, और मैंने अपनी फाइल को कर दिया क्लोज। सेकेंड टाइम जब भी मैं इस फाइल को खोलूंगा, मैंने फोल्डर बंद कर दिया और यहाँ से इसको ओपन किया और यहाँ से अपनी फाइल पर गया और इस पर डबल क्लिक करके ओपन किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो फाइल में डेटा सेव था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया और डिलीट कर दिया, तो क्या मुझे इस फाइल को सेव करने की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल, चाहे आप डेटा को डिलीट करें, चाहे डेटा को ऐड करें, चाहे टेक्स्ट ऐड करें, कोई भी चेंजेस करेंगे फाइल के अंदर, उसको ऑलवेज हर दफा क्या करना है, सेव। ये प्रैक्टिस आपको बताने, कंप्यूटर खुद से सेव नहीं करता, हमें सब तक सेव खुद नहीं करेंगे, हमारा डेटा उसके अंदर सेव नहीं होगा। सो ये दैट्स द पॉइंट। अब हम आते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जिसको हमने कल सीखा था, कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं इब्राहिम.txt और इसको फाइल में जाके हम कह रहे हैं सेव एज। सेव और सेव एज में क्या फर्क है? इसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना विद सेम डेटा, तो ये उसी फोल्डर में आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा, सपोज टू बी इसका नाम मैंने रख दिया मोहित। मोहित लिखने के बाद ये फाइल का नाम मैंने रख लिया, ये उसकी टाइप सॉफ्टवेयर खुद लिखेगा, और यहाँ पे जाके मैंने सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे जाके देखेंगे इस फोल्डर के अंदर एक और फाइल क्रिएट हो गई है मोहित के नाम की, और इस मोहित की फाइल के अंदर वही कुछ लिखा होगा जो इब्राहिम की फाइल में लिखा हुआ था, क्योंकि इब्राहिम की फाइल से जब हमने सेवेज किया तो उसने सेम डेटा के साथ मोहित नाम की एक फाइल बनाई और उसमें वही कुछ लिखा हुआ है जो उसमें लिखा हुआ था। हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आई एम मोहित कुमार, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई फादर्स नेम इज राजकुमार, और फिर से हमने अपने डेटा को अपडेट करने के लिए सेव कर दिया। तो सेव और सेवेज में फर्क समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम आते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। ये तो हम फाइल बना रहे हैं इस तरीके से,
एक दूसरा तरीका भी है फाइल बनाने का जो इससे थोड़ा एक्सटेंसिव है। देखिए आपने क्या करना है, अभी मैंने आपको तरीका बताया, न्यू में जाके यहाँ से टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करना है, ऐसे फाइल बनती है। एक और तरीका है, आप डायरेक्टली यहाँ सर्च में जाइए और यहाँ पे सर्च करें NOTE नोटपैड। सर्च करने के बाद नोटपैड आपको सबसे टॉप पे नजर आएगा, जैसे ही नजर आएगा इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने लोड हो जाएगा। अब जब ये आपके सामने नोटपैड लोड हुआ है, ये आपके सामने एक ब्लैंक फाइल लेके लोड हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसमें लिखा हेलो दिस इज नोटपैड फाइल, और क्लिक करके फाइल में जाके जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो सेव करने के बाद सेव के डायलॉग बॉक्स मेरे सामने खुल जाएगा। क्यों खुला सेव का डायलॉग बॉक्स, क्योंकि पहले मैं सेव कर रहा था फिर फाइल ओपन कर रहा था। अब मैंने फाइल एक नई ली है तो ये मुझसे पूछ रहा है कहाँ सेव करना है। अब मुझे इसकी लोकेशन बतानी है कहाँ सेव करना है, तो लोकेशन कैसे बताएंगे, मैंने आपको सबसे पहले रीजन समझाए थे कहाँ सेव करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर डेस्कटॉप पे सेव करनी है तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। और अगर मुझे एक्सेल फाइल में सेव करनी है, मुझे C++ के फोल्डर में सेव करनी है, मुझे डेस्कटॉप पे सेव करनी है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मेरा फोल्डर कहाँ पर है, मैं यहाँ के यहाँ पे सर्च करूंगा। मेरा फोल्डर यहाँ पे कंपेडियम के नाम से मौजूद है, इस पर डबल क्लिक करूंगा और इसके अंदर मेरी वो पुरानी वाली फाइल सारी नजर आ रही है। तो मुझे अपनी फाइल का नाम क्या रखना है, मैंने माई फाइल का नाम रखा सपोज टू बी अम्मार, और अम्मार लिखने के बाद मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया सेव। तो ये देखें ये वाली फाइल सेव हो गई दोबारा से कंपेडियम के फोल्डर में, अम्मार की जगह पे जाके देख रहे हैं आप सबसे टॉप पे चली गई, सही है। इस तरह से भी हम एक फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करेंगे फाइल को सेव करने का तरीका यही दो मेथड होंगे जिसके जरिए आप उसको फाइल को सेव कर सकेंगे। और ये जो अभी मैंने मेथड बताया है ये सबसे ज्यादा जेन्युइन मेथड है जिसमें आप फाइल को अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद इस फाइल को यहाँ से ओपन करेंगे। अब हम चलते हैं अगले उसके ऑप्शन के ऊपर कि मैंने यहाँ से सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और एडिट में जाके क्या कर दिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया और एंटर कर दिए, नीचे वाली लाइन पर आया और क्या कर दिया पेस्ट। तो इस तरह से मैंने टेक्स्ट को कॉपी करके अगली लाइन पे पेस्ट कर दिया। इस तरह मैंने अपने काम को थोड़ा फास्ट कर लिया। दोबारा देखिए कैसे किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, एडिट में गया, क्या किया कॉपी क्लिक किया और एंटर दबाया, अगली लाइन पे कर्सर की पोजीशन सेट की और पेस्ट कर दिया। अब अगर मुझे इस लाइन को मजीद पेस्ट करना है तो बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसकी पोजीशन को सेट करने की जरूरत है और एडिट में जाके बार बार क्या करने की जरूरत है पेस्ट। एक दफा जो भी आइटम आप कॉपी कर लेंगे वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है और अनटिल एंड अनलेस उस वक्त तक रहता है जब तक कि आप दूसरा आइटम कॉपी ना करें, और उस वक्त तक आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड टाइम में अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ से क्लिक करके माउस की मदद से ऐसे करके सेलेक्ट करूँ और एडिट में जाके यहाँ से क्लिक करके इसको कॉपी कर लूँ और अगली लाइन पे यहाँ पे क्लिक करके एंटर करके यहाँ पे एडिट में जाके इसको पेस्ट कर दूँ, तो आप देखेंगे आप 8 लाइन एक साथ पेस्ट कर देगा। इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने से क्या हो रहा है, मेरा काम फास्ट हो रहा है और मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है और वो काम ईजी हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ और इस फाइल को यहाँ से जाके क्लोज कर देता हूँ और एक मैं दूसरी फाइल को खोल लेता हूँ जिसका नाम है फैजान और इसकी खाली है, सो मैं फैजान के अंदर भी उस लाइन को पेस्ट कर सकता हूँ जो मैंने उधर कॉपी की थी। देखिए वो काम इधर भी आ गया। तो एक फाइल से कॉपी करके डेटा दूसरी फाइल में भी पेस्ट किया जा सकता है, जैसे एक फोल्डर में से कोई भी फाइल कॉपी करके दूसरे फोल्डर में पेस्ट की जा सकती है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे चलते हैं इब्राहिम की फाइल में और इब्राहिम की फाइल से हम यहाँ से डेट को सिलेक्ट करते हैं और एडिट में जाके इसको कर लेते हैं कॉपी, और किसी और फाइल में जाके पेस्ट करना है तो इसको मैंने क्लोज किया और यहाँ से काशिफ की फाइल में जाके मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंटर और यहाँ एडिट में जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर भी इसको पेस्ट किया जा सकता है और फाइल में जाके सेव करेंगे तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कट पेस्ट भी इसी तरह से किया जा सकता है। नौमान की फाइल को मैंने खोला और मैंने यहाँ पे लिखा कैट इज एनिमल इज। अब यहाँ पे जुमला तो सही है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जुमला होना चाहिए कैट इज एनिमल। तो यहाँ पर से सिलेक्ट किया एनिमल को और एडिट में गए और हमने यहाँ से किया कट और इसके बाद कर्सर को रखा, स्पेस की पोजीशन को सेट किया, एडिट में जाके क्या कर दिया पेस्ट, तो यहाँ से डिलीट हुआ और यहाँ पे पेस्ट हो गया कैट इज एनिमल, ठीक है। आई एम बॉय आई एम, तो अब इसको कैसे सेट करेंगे, बॉय को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाके कट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कर्सर की पोजीशन को सेट करेंगे, स्पेस देंगे और पेस्ट कर देंगे, तो ये हो गया आई एम बॉय, सही है, समझ में आ गई। अपने ऑपरेशन को सेव किया, अब यहाँ से इस लाइन को मैंने सिलेक्ट किया और क्या कर दिया कट, ये कट होके मेमोरी में कॉपी है। इस फाइल को मैंने सेव किया, क्लोज कर दिया और यहाँ पे जाके कासिम लकी की फाइल को खोला और यहाँ पे जाके कर्सर की पोजीशन को सेट किया और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया, वहां से कट हो गया यहाँ पेस्ट हो गया। तो एक फाइल से दूसरी फाइल में भी कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट किया जा सकता है। कट भी एक दफा जब हम आइटम को कट करेंगे वही नेक्स्ट टाइम पेस्ट होगा, सेकंड टाइम को आइटम को कट करेंगे तो वही सेकंड टाइम में पेस्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे क्लिक करेंगे अगली, इस पे आते हैं इंग्लिश फाइल पे। इंग्लिश फाइल में लिखा है दिस इज माय फाइल टाइपिंग वगैरह,
और यहाँ पे मैंने जाके कुछ नाम लिख दिए, सपोज राजा, सपोज लक्की, सपोज मोहित, सपोज अम्मार, और यहाँ पे मैंने लिख दिया शर्जील। तो यहाँ पर मैंने नाम लिखने के बाद मुझे पता नहीं था कि इस फाइल में कौन कौन से नाम हैं और वो यहाँ सेव थे। अब मैं नोटपैड को कह रहा हूँ कि तुम मुझे सर्च करके बताओ कि तुम्हारे पास क्या ये वाला नाम है या नहीं। तो मैं अपनी कर्सर की पोजीशन यहाँ टॉप पे सेट करूंगा और एडिट में जाके यहाँ से क्लिक करूंगा और एक कमांड को लॉन्च करूंगा जिसका नाम है फाइंड। पूछेगा व्हाट फाइंड, तो मैंने कहा ढूंढो पायल। तो जैसे ही मैंने पायल लिखा और फाइंड नेक्स्ट किया तो उसने कहा कैन नॉट फाइंड पायल। इट मीन्स कि मेरा टाइम भी बच गया और मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी क्योंकि पायल तो इसमें है ही नहीं। ओके, तो मैंने कहा इसको सर्च करो अम्मार, तो अम्मार लिखा और फाइंड किया, तो इसने फौरन से सर्च करके मुझे बता दिया। तो फाइंड कमांड दो काम करती है, एक काम तो ये करेगी जो भी टेक्स्ट कंटेंट आप सर्च कर रहे हैं वो आपको फौरन से ढूंढ के बता देगी, दूसरा काम क्या करेगी अगर वो नहीं होगा तो आपको कहेगी कैन नॉट फाइंड, है ही नहीं, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इसके निस्बत हमारे पास दूसरी कमांड है जिसका नाम है रिप्लेस। वो कैसे काम करेगी, यहाँ से मैंने एक और फाइल खोली जिसका नाम था हसन, और हसन की फाइल को खोल के मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, अ क्विक ब्राउन फॉक्स, इसको थोड़ा सा पकड़ देता हूँ, जंप्स ओवर अ वाइट लेजी डॉग। ये एक सेंटेंस मैंने इस पर लिखा और इस सेंटेंस को मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके एडिट में जाके कॉपी कर दिया। तो बोलना खामोश होके बैठो, ठीक है, और यहाँ पे जाके एडिट में जाके इसको पेस्ट कर दिया, फिर नीचे लाइन ली और फिर यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया, फिर नीचे लाइन ली और उसमें जाके इसको पेस्ट कर दिया। ओके, यहाँ पर सब जगह पे ब्राउन लिखा हुआ था और मैं चाह रहा हूँ कि ब्राउन की जगह पे मैं लिख दूँ यहाँ पे पिंक। तो क्या करूँगा, इसको पहले कट करूँ, पिंक लिखूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं कर्सर को शुरू में प्लेस करूँगा और एडिट में जाके यहाँ क्लिक करूँगा रीप्लेस की कमांड के ऊपर। जैसे ही करूँगा रीप्लेस पे तो यहाँ पे लिखूंगा ब्राउन जो मुझे सर्च करवाना है सेम स्पेलिंग के साथ, और सेलेक्ट करूंगा पिंक नीचे जो मुझे ऐड करवाना है, और यहाँ से कहूंगा रिप्लेस। तो जैसे ही इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो एक दफा रिप्लेस 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 और रिप्लेस, तो इस तरह रिप्लेस करने पर ये आपके सामने सारा का सारा रिप्लेस हो जाएगा। सिमिलरली एक और तरीका मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैंने डॉग लिखा हुआ था स्मॉल लेटर्स में, मैं चाह रहा था डॉग का डी कैपिटल कर दूँ, तो सबका डी कैपिटल करने में तो काफी टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा एडिट में और एडिट में जाके कमांड लॉन्च करूंगा रिप्लेस, और इसको उठा के थोड़ा यहाँ रख लेता हूँ, और जिसको रिप्लेस करना है उसको लिखूंगा नीचे डॉग, और जो कैसे लिखना है डी कैपिटल ओ जी डॉट। तो देखें फर्क आ गया आपके सामने। अब मैं एक एक दफा करूंगा तो टाइम लग जाएगा, हो सकता है 50 दफा हो तो 50 दफा क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास एक शॉर्टकट भी है जिसके नीचे आ रहा है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल क्या करेगा, एक ही क्लिक में सारे डॉग को कन्वर्ट कर देगा कैपिटल डॉग के साथ, ये देखिए, चाहे वो एक हो या 1,000 हो, इस तरीके से चुटकी में वो ये कर देगा जी। ओके, वापस पहले जैसा करना है तो हमारे पास कमांड है जिसका नाम है अंडू। कंप्यूटर में बहुत जबरदस्त कमांड है अंडू, जो भी ऑपरेशन अभी आपने फ्रीक्वेंटली परफॉर्म किया है अगर उसको रिवर्स करना है, क्या करना है रिवर्स, मैंने अभी एक ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसको रिवर्स करना है तो क्या करूंगा उसको मैं, और देखिए हो गया अंडू, रिवर्स हो गया, और दोबारा से अंडू करेंगे तो दोबारा से वो फॉरवर्ड कर देगा उसको। यानी कि अंडू कुछ इस तरह काम करता है, यानी कि पहले आप एक्शन को परफॉर्म करके यहाँ आ गए थे तो आप अंडू हुए यहाँ आ गए, और दोबारा से अंडू किया तो यहाँ चले गए, अंडू 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 अंडू, मतलब ये देखिए अंडू, फिर ऐसे कर लें अंडू, फिर ऐसे कर लें अंडू। तो नॉट पैड में अंडू कुछ इस तरीके से काम कर रहा होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पर काम कर रहा होता है। तो ये हमारा अंडू भी हो गया। अब सेलेक्ट करने के लिए मैं एक वर्ड सेलेक्ट करता हूँ, एक लेटर सेलेक्ट करता हूँ माउस के लेफ्ट वाले बटन से। क्या अगर मुझे सब कुछ एक साथ ही सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, एडिट में जाके हम क्या कहेंगे कमांड को यूज करेंगे जिसका नाम क्या है, ये देखिए सारा का सारा एक साथ सेलेक्ट करता है। फिर आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो इसको कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर दें, चाहें तो कट करके कहीं पे पेस्ट कर दें, और चाहें तो इसको क्या कर दें डिलीट कर दें। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। ओके, टाइम और डेट ऐड कराना तो यहाँ क्लिक करेंगे, जो भी टाइम और डेट हो रहा होगा करंट वो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये सारी कमांड, क्लियर हो गई, तो इसी को यहीं पर एंड करते हैं।